So, दोस्तों, my name is Dipankar. I welcome you to Soch. आज फिर एक नया टेक्निक के साथ हम लोग हाजिर हैं और ये टेक्निक है फाइंडिंग यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर ऑफ दिस सॉर्ट, अर्थात ऐसे जो बड़े बड़े नंबर है, समथिंग रेस टू समथिंग, मतलब अ नंबर रेस टू अनदर नंबर, जैसे यहाँ पे 1453 रेस टू 71 या 44 रेस टू 444. इन सब को जब हम लोग ओपन करेंगे, मतलब इसको 1453 को ऊपर जब 71 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी वाला जो डिजिट है वो क्या है? तो या तो फिर ऑफिशियली करने जाओगे तो असंभव चीज है, क्योंकि ये तो संभव है लेकिन बहुत टाइम लगेगा. तो ये जो x raise to y फॉर्मेट है, ये सारे फॉर्मेट क्या है? x raise to y, जैसे ये आप देख सकते हैं. तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि लास्ट डिजिट जो भी है ना, लास्ट डिजिट जो हम लोग निकालेंगे एक मेथड से, उसके ऊपर आ जाएगा रिमाइंडर. तो इस फॉर्मूला को हम लोग कैसा देख सकते हैं? L raise to R, where L is last digit, है ना? L को हम लोग क्या कर लिए? Last digit और R for remainder. तो ये बाजू में टेबल क्या दर्शा रहा है, पहले ये देख लेते हैं. बेसिकली हम लोग इस टेबल से एक बहुत बढ़िया चीज निकालने वाले हैं, उस चीज का नाम है साइक्लिसिटी. साइक्लिसिटी का मतलब क्या है कि अगर ये नंबर 2 है, मतलब ये हमारा x बराबर 2 है, तो 2 रेस टू 1 क्या होगा? 2 होगा. 2 रेस टू 2 क्या होगा? 2 रेस टू 2. ये क्या है? 2 रेस टू 2 क्या हो जाएगा? 4. ये क्या आ जाएगा? 2 रेस टू 3 क्या हो जाएगा? 8. ये हो जाएगा 2 रेस टू 4 का 16 आएगा. तो 16 का क्या 6? इसका मतलब ये टेबल क्या शो कर रहा है? ये सारा टेबल जो शो कर रहा है, ये LD शो कर रहा है. तो टॉपिक है हमारा जो x raise to y का लास्ट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट. तो LD मतलब सबका यूनिट प्लेस शो कर रहा है. 2 का यूनिट प्लेस क्या है? 2. 4 का 4. 8 का 8. ये एक्चुअली है 16 लेकिन उसका यूनिट प्लेस क्या है? 6. लेकिन इसके बाद जैसे ही 2 raise to 5 करोगे, 2 raise to 5 करोगे, तो 2 raise to 5 कितना होता है क्लास? 16 को 2 से 32. 32 में वापस 2 आ जाएगा. फिर 2 raise to 6 करोगे तो 32 को 2 से गुणा करना है, क्योंकि 32 ऑलरेडी 2 raise to 5 है. तो 2 करोगे तो आपका 64 आ जाएगा, फिर से 4 आ गया. तो लास्ट डिजिट अभी देख रहे हो, फिर से रिपीट कर रहा है. 2 के बाद 4, 4 के बाद देखते हैं 2 raise to 7 क्या हो जाएगा? 64 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 128. फिर 8 आ गया, देखिए 8 आ गया. फिर 2 raise to आपका 8 क्या हो जाएगा? 128 मल्टीप्लाइड बाई 2. 2 8 जा 16, 2 to the 4 carry 152, that is 256. तो वापस 6 आ गया. तो 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6, ये रिपीट होने लग गया. तो इसका मतलब ये साइकिल बन गया, मतलब आप ये फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12, मतलब 6 2 से 12, फिर से 2 आएगा, फिर से 2 4 8 6, फिर से 2 4 8 6, मतलब इसका साइकिल क्या बन गया? 4. तो हम लोग ने साइकिल जो बनाया वो किसके हिसाब से बनाया? लास्ट डिजिट, मतलब इसके बाद लास्ट डिजिट रिपीट करेगा. उसी प्रकार से x का 3 इक्वल टू निकाल सकते हैं, 3 रेस टू 1 3 होगा, लास्ट डिजिट 3 होगा. 3 स्क्वायर क्या होगा? 9, तो लास्ट डिजिट 9 होगा. 3 रेस टू 3 क्या होता है? 27, तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 7. और आपको पता है 3 रेस टू 4 क्या होता है? 91 होता है. तो 91 का लास्ट डिजिट क्या होगा? ऑफ कोर्स यहां पे 91, तो ये आपका लास्ट डिजिट होगा का क्या? 3 रेस टू 4. फिर 91 आ गया, तो 91 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 3 3 9 7, आखिर में तो 3 आना ही है, वापस से रिपीट होगा. तो इसी प्रकार से इसका साइकिल ही. अब 4 का देखते हैं. 4 रेस टू 1 क्या होता है? 4 होता है. लेकिन 4 रेस टू 2 क्या होता है? 16 होता है, है ना? सिर्फ 4 रेस टू 3 क्या होता है? फिर से 64 आ जाएगा. फिर से 4 4 से 16 हो जाएगा, मतलब वापस से 2 2 के साइकिल में रिपीट मार रहा है. सो ये यहाँ पे 2 का साइकिल बन रहा है, यहाँ पे 1 का साइकिल बन रहा है इसलिए 1, यहाँ पे भी 1 का साइकिल बन रहा है इसलिए 1. सो इस तरीके से हम लोग ये पूरा टेबल क्या दर्शाता है? लास्ट डिजिट के हिसाब से, है ना, साइकिल क्या बनता है कोई भी एक नंबर का विद रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ द पावर ऑफ 1 2 3 4. ये हो गया साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट. अब ये कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम लोग बड़े अच्छे से, आसानी से हम लोग ये वाला निकाल सकते हैं. कुछ स्पेशल केसेस है, कभी कभी क्या होता है, ये स्पेशल केसेस क्या होता है वो हमको बताएंगे आपको. पहले हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं. पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है आपका? क्वेश्चन x raise to y, आपका x raise to y क्या है? x raise to y दिया हुआ है 1453 raise to 71. तो बताइए इसमें हमारा जो ये वाला जो चीज है, इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे? लास्ट डिजिट, मतलब 3, राइट? तो आपने देखा कि हमारा लास्ट डिजिट क्या है? ये है हमारा L. रिमेंबर, यहाँ पे लास्ट डिजिट को इस रिस्पेक्ट में ये L हो गया. अब हम लोग को ये रिमाइंडर किसका निकालना वो देखते हैं. तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप. दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लास्ट डिजिट है L इक्वल टू 3, इसके ऊपर से साइक्लिसिटी देखते हैं. साइक्लिसिटी क्या है इसका? इसकी साइक्लिसिटी क्या है? लास्ट डिजिट जब 3 होगा उसके हिसाब से साइक्लिसिटी क्या होता है? 4 आता है. तो इसका साइक्ली
साइक्लिसिटी जो है वो आएगा 4, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इस जो 4 को आया है, इस 4 को हम इस 71 से डिवाइड करेंगे, मतलब 71 को रादर 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आता है देखते हैं। 4 1 जा अभी ये जो थर्ड स्टेप है ये रिमाइंडर वाला स्टेप है, लास्ट डिजिट वाला स्टेप ये हो गया है ना। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, 4 1 जा 4, बचा कितना आपका 3, और यहाँ पे क्या बचा से 4, 7 जा क्या बचेगा आपका 28, तो आपका जो रिमाइंडर बच गया वो कितना बच गया 3, तो आपका ये हो गया रिमाइंडर। तो हम लोग को दो चीज की जरूरत पड़ती थी, आपको याद है, एक होता है R रिमाइंडर और एक होता है L, तो अपना फॉर्मूला बन जाता है L is to R। तो फोर्थ स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा कि हमारा जो यूनिट डिजिट रहेगा UD, UD का आंसर क्या आ जाएगा। यस क्लास, हमारा यूनिट डिजिट का आंसर आ जाएगा L raise to R, मतलब 3 raise to 3, 3 raise to 3 क्या होता है 27। So, इसका मतलब हमारा 27 में से ये जो 7 है ये हमारा क्या है, ये हमारा यूनिट डिजिट का प्लेस होगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ गया क्या स्टेप है। अब इसी स्टेप को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए कैसे करेंगे। पहला स्टेप क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है 4 4 4 raise to 4 4 4। अब इसमें हम लोग दूसरे स्टेप में लास्ट डिजिट निकालते हैं, बताइए लास्ट डिजिट क्या है। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आप लोग ने, लास्ट डिजिट क्या है 4 है। अगर लास्ट डिजिट 4 है तो इसकी साइक्लिसिटी क्या है, साइक्लिसिटी 4 की क्या होती है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, 2 को इस 4 4 4, रिमेंबर ये पावर को डिवाइड करना पड़ता है, सो 4 4 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो आसानी से आ जाएगा 2 2 2 4 4 4, रिमाइंडर आ जाएगा 0। जब भी रिमाइंडर 0 आ गया, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे तो एक भी केस 0 का नहीं है रिमाइंडर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिमाइंडर का 0 केस रखा है। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम लोग को ऑब्जर्व करना कि हमारा लास्ट डिजिट क्या है। अगर रिमाइंडर 0 है तो क्या हमारा लास्ट डिजिट 2 4 6 8 है, अगर ऐसा है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, इतना सिंपल आंसर है। और अगर ऐसा नहीं हो कि 3 4 9 है तो यूनिट डिजिट 0 होगा। तो देखते हैं हमारा लास्ट डिजिट क्या है। यस क्लास, हमारा लास्ट डिजिट क्या है 4 है, लास्ट डिजिट 4 है और हमारा रिमाइंडर क्या है 0 है, तो 0 और 4, ये देखिए 0 और 4 ये केस में फॉल होता है, तो हमारा आंसर फोर्थ स्टेप में आ गया। देयरफॉर जैसे यहां पे यूनिट डिजिट 7 आया था, देख के यहां पे डायरेक्टली हमारा यूनिट डिजिट क्या आने वाला है क्लास, हमारा यूनिट डिजिट आने वाला है 6, तो आंसर हो गया हमारा 6 इज आवर आंसर, राइट। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये चेक कर लिया स्पेशल केस वाला है, ये तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है L raise to R, ये स्पेशल केस वाला। और एक देखते हैं ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसको कैसे करेंगे, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 6, है ना, तो इसके स्टेप्स और इसके स्टेप्स हम लोग कर लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, लास्ट डिजिट क्या है 6, 6 का साइक्लिसिटी कितना होता है क्लास, 6 का साइक्लिसिटी होता है 1, तो 1 बस। फिर दूसरे स्टेप में हम लोग जब रिमाइंडर निकालते तो 1 से जब पावर को डिवाइड करेंगे 2015 को, तो 2015 से ही जाएगा ना, तो कितना आंसर आ जाएगा 0, इसका मतलब रिमाइंडर कौन से केस में आ गया 0, 0 केस है तो 0 केस है, लेकिन 6 आया तो 6 आया, मतलब इसका तीसरे स्टेप में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6, है ना। अब इसी प्रकार से हम लोग को अब ये वाला केस निकालना है, इसमें पहला क्या होगा, लास्ट डिजिट देखते हैं कितना है 5, फिर दूसरे स्टेज में रिमाइंडर निकालना है, तो कैसे करेंगे, 5 का साइक्लिसिटी क्या है 1 1, मतलब ये भी केस रिमाइंडर का क्या होगा 0 का ही होगा, आप डिवीजन करोगे तो 1 एनीथिंग इज अ दैट थिंग तो आना ही है, तो इसका भी केस क्या है R = 0, लेकिन लास्ट डिजिट 5 है, तो कॉमन सेंस है इसके बारे में केस तो दोनों में नहीं हुआ लास्ट डिजिट, तो जब भी लास्ट डिजिट 5 होगा तो 5 5 5 raise to 1 भी 5 होता, 5 raise to 2 भी 5 होता, इसका मतलब हमारा यूनिट डिजिट 5 के केस में कभी भी लास्ट डिजिट 5 आया तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट भी हमेशा क्या रहेगा 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 multiplied by 5 is 25 multiplied by 5 is 125, हमेशा 5 ही रहेगा, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 5, तो इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं हम लोग, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 6 minus 5 क्या हो जाएगा 1, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो है यूनिट डिजिट इन दोनों का सबट्रैक्शन व्हिच क्या आएगा 1 आएगा। सो दिस कंक्लूड्स द होल टॉपिक ऑफ फाइंडिंग यूनिट डिजिट ऑफ x is to y फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, दैट्स ऑल अबाउट सिंपलीफाइड लर्निंग। वी कैन actually visualize all this concept using our recorded classes like this, and you can get simplified notes like this. At the same time, you can practice more by using our question bank questionnaire and MCQs like this.
So, for getting all this under one roof, you must visit our website SochOnlineLearning.com. And I would appreciate if you like, subscribe, share our channel and of course our website. Thank you.